एक कहानी आप लोगों ने सुनी होगी। एक विद्यालय में अध्यापक बच्चों को पढ़ाते समय बताया, जैसे कि कहानियों में बताया जाता है, पुराणों में, अनेक धर्म ग्रंथों में लिखा गया है कि स्वर्ग में जाने वालों को हर प्रकार का सुख मिलता है, वहां किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती। अध्यापक ने स्वर्ग का खूब वर्णन किया कि क्या क्या सुख मिलता है। फिर उसके पश्चात अध्यापक ने यह बताया कि नरक में जाने वालों को कैसे कैसे क्या क्या कितना दुख मिलता है, उसका भी खूब वर्णन किया। जब स्वर्ग और नरक का खूब वर्णन कर लिया तो अध्यापक ने बच्चों से कहा, बच्चों तुम लोगों में से जो जो बच्चा स्वर्ग जाना चाहता हो सब हाथ उठाओ। तो सारे के सारे बच्चों ने हाथ उठा दिया, एक बच्चा हाथ नहीं उठाया। अध्यापक आश्चर्य में पड़ गया, सारे के सारे बच्चे हाथ उठाए और एक बच्चा हाथ नहीं उठाया, शायद इसे स्वर्ग जाना पसंद नहीं है, नरक में जाना चाहता हो यह। फिर अध्यापक ने पूछा, तुम लोगों में से जो नरक जाना चाहता हो वो हाथ उठाए। तो किसी बच्चा ने हाथ नहीं उठाया, वह बच्चा जो स्वर्ग जाने में भी हाथ नहीं उठाया था उसने भी हाथ नहीं उठाया। तो अध्यापक ने सोचा शायद इसे बात समझ में नहीं आई, तो उसने उस बच्चे से पूछा, क्यों बच्चे मैं क्या कह रहा हूं तुम समझ रहे हो ना? तो बच्चे ने कहा, हाँ सर समझता हूं, आपने पूछा कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है और आपने पूछा कि नरक कौन कौन जाना चाहता है। तो अध्यापक ने कहा, जब तुम समझते हो तो सारे के सारे बच्चों ने हाथ उठाया जब मैंने कहा कि स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है, लेकिन तुमने हाथ नहीं उठाया। फिर मैंने पूछा कि नरक कौन कौन जाना चाहता है तो भी तुमने हाथ नहीं उठाया। तो तुम स्वर्ग भी नहीं जाना चाहते हो, नरक भी नहीं जाना चाहते हो, आखिर जाना कहां चाहते हो? तो उसने कहा, सर देखिए जब मैं घर से चला तो मेरी मम्मी ने कहा, देखो जैसे छुट्टी होगी वैसे ही घर आना, इसलिए सर न मैं नरक जाना चाहता हूं न स्वर्ग जाना चाहता हूं, मैं तो घर जाना चाहता हूं, मुझे कहीं नहीं जाना है। हम लोगों को भी अपना घर जाना है। घर वह जगह है जहां जाने पर पूरा विश्राम मिलता है, आदमी निश्चिंत हो जाता है। और जब तक आदमी अपने घर नहीं पहुंचता तब तक उसे पूरा विश्राम नहीं मिलता। आप लोग यहां आए हैं ध्यान साधना करने के लिए, शिविर में भाग लेने के लिए। आप लोगों के मन में भी होता होगा कि जैसे शिविर समाप्त हो हम अपने अपने घर जाएं, सबके मन में होता है। यह घर तो शरीर का घर है, लेकिन हमारा असली घर कहां है? असली घर है आत्मघर, और ध्यान उसी आत्मघर में पहुंचने का द्वार है। जब तक कोई भी व्यक्ति सब तरफ से अपने को समेटकर ध्यान में डूबेगा नहीं, तब तक वह अपने घर में, आत्मघर में पहुंच नहीं सकता। जो अपने आत्मघर में पहुंचकर सारी सांसारिक झंझटों से, द्वंद्वों से, कलहों से, सारी पीड़ाओं से मुक्त होना चाहता है और अपने आत्मघर में पहुंचकर पूर्ण विश्राम चाहता है,
उन सब के लिए ध्यान अत्यंत आवश्यक है। दुनिया में जितने भी मत पंथ हैं, इसलिए सभी मत पंथों में ध्यान का सर्वोपरि महत्व है। चाहे कोई ईश्वर मानता हो, चाहे न मानता हो, चाहे आत्मवादी हो, चाहे ईश्वरवादी हो, सब जगह ध्यान, चाहे बौद्ध मत हो, जैन मत हो, वैष्णव शाक्त मत हो, सभी जगह ध्यान का महत्व है। ध्यान में ही अपनी पूर्णता का बोध होता है। इसी के लिए शिविर का आयोजन किया जाता है, ताकि एक झलक मिले और लोगों के अंदर उमंग जगे, लालसा जगे कि हम भी ध्यान में जाएं। सभी साधक सावधानी की मुद्रा में बैठें और अपनी अपनी रुचि के अनुसार कोई भी अवलंब लेकर अपने मन को ध्यान में प्रविष्ट कराएं।